निप्पाणी मुस्लिम समाजाचा विराट मोर्चा, तहसीलदारांना निवेदन, रामगिरी महाराजांना अटक करण्याची मागणी। कीर्तनातून गंगागिरी महाराज मठाचे मठाधिपती महंत रामगिरी महाराज यांनी मुस्लिम धर्माचे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्या संबंधी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा निषेधार्थ समस्त निप्पाणीतील समस्त मुस्लिम समाज मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन आज शुक्रवारी निप्पाणी तहसीलदार मूक रॅली काढून कार्यालयावर धडक दिली। रामगिरी महाराज यांना तातडीने अटक करा अशी आग्रही मागणी केली। यासंबंधीचे निवेदन निप्पाणी येथील मुस्लिम समाजाने निप्पाणी तहसीलदारांना दिले। छत्रपती संभाजीनगर येथील सराला बेट येथील महंत रामगिरी महाराज यांनी मुस्लिम धर्माचे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल अपमानास्पद द्वेषपूर्ण वक्तव्य केल्याच्या आरोपातून समस्त मुस्लिम समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत। धार्मिक भावना दुखावल्याने समस्त मुस्लिम समाजातर्फे शांतता भंग करणाऱ्यास अटक करा, सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्याला अटक करा, भोंदू रामगिरी महाराज यांच्यावर कडक कारवाई करा, घातक विचार पसरविणाऱ्यास अटक करा, पैगंबराचा अपमान करणाऱ्यास अटक करा, अशा मागणीचे फलक हातात घेऊन मोर्चात लक्ष वेधण्यात आले। मोर्चातील अबाल वृद्धासह युवक कार्यालयासमोर एकत्र येत ठिय्या मारला। त्या महाराज यांच्या वक्तव्याविरोधात निप्पाणी तहसीलदार कार्यालयात तहसीलदार कारंडे यांची उपस्थिती, आहार विभागाचे निरीक्षक अधिकारी अभिजित गायकवाड यांना निवेदन दिले। त्यानंतर मुस्लिम बांधवांनी माध्यमांशी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या। यामध्ये अल्ताफ कारीसाब, जरार खान पठाण, हैपी जी अलीम हुसैन शेख आदींनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या। आज हम लोग निप्पाणी के समस्त मूल निवासी बहुजन समाज के माध्यम से, जिसके अंदर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सब लोग एक साथ संगठित रूप पर मिलकर यहाँ पर निप्पाणी तहसीलदार ऑफिस में एक निवेदन देने के लिए आए हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक मनमून शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारे कायनात के लिए रहमत बनकर आए, सारे मनुष्य के लिए एक अवतार बनकर, एक दूत बनकर आए थे, उनकी शान में गुस्ताखी की है। तो जो आक्रोश है, वो आक्रोश को जाहिर करने के लिए और जो नाराज़गी है, उस नाराज़गी को सरकार तक पहुंचाने के लिए सभी धर्म के और सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर मानवता को बचाने के लिए, और जो मानवता का संदेश दिया था सारी दुनिया को, सारे कायनात को, उस संदेश को सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए और उस संदेश की हिफाजत करने के लिए हम लोग यहाँ पर जुलूस के माध्यम से आए हैं और तहसीलदार साहब को निवेदन दिए हैं कि जिस किसी ने रामगिरी महाराज जो नासिक के हैं, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है, उसको तुरंत गिरफ्तार करें और उसको सलाखों के पीछे डालें, ताकि भारत देश में कभी भी कोई भी ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश ना करें। और ये सिर्फ ना सिर्फ मुस्लिम समाज को लेकर ये निवेदन दिया गया है, बल्कि समाज, तमाम समाज के, तमाम धर्मों के जो धर्म गुरु हैं, जिनके अंदर हमारे यहाँ पे रहने वाले सारे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, इन आस्थाओं की हिफाजत करने के लिए और उनकी कदर करने के लिए निवेदन हम लोगों ने दिया है। हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार इस ममनून को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी और उसको जेल के सलाखों के पीछे डालेगी और भारत देश की जनता को और पूरी दुनिया को ये मैसेज देगी कि भारत सरकार सेक्युलरिज्म है और भारत सरकार इंसाफ के लिए हमेशा से काम करती है। धन्यवाद। आज निप्पाणी शहर में पूरे मुस्लिम समाज और बहुजन समाज की तरफ से नासिक ज़िले के जो, जिसको संत लोग कहते हैं, मगर वो संत है नहीं, क्योंकि संत कभी भी किसी की दिल दुखाने वाली बात नहीं करता। वो हर किसी से ताल्लुक़ रखता है, हर किसी से अपना दिली ताल्लुक़ मजबूत करता है। जिस रामगिरी महाराज जिसका नाम है, उसी शख्स का एक साल पीछे का अगर आप वीडियो देखेंगे तो अपने वीडियो में वो हमारे नबी की तारीफ़ करता है, कहता है कि मोहम्मद साहब का चरित्र हमें हमारे चरित्र में लाना चाहिए। मगर एक साल जाने के बाद वही शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम के मुखालिफत में, उनके विरोध में और अनाप शनाप बकता है। तो ये जो बिकने वाले संत हैं, ये हरगिज़ संत नहीं होते। संत का चोला पहनने वाला कभी संत नहीं होता। संत को दिल से संत होना है। तो जो दिल से संत हैं, हम उनका आदर करते हैं, जो सारे समाजों को साथ लेकर चलते हैं, जो सारे समाजों का आदर करते हैं, ऐसे संतों को हम सलाम करते हैं। मगर उन संतों का हम खुलकर विरोध करते हैं जो दीगर समाज के लोगों को और दीगर समाज के प्रेक्षितों को
बुरा भला कहते हैं और उनके बारे में अनाप शनाप कहते हैं, जो जिस तरीके से रामगिरी महाराज ने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, हम शहर निपानी के तमाम इर्द गिर्द के मुसलमानों के जानिब से उसका खुलकर विरोध किया जाता है और विरोध का निवेदन हम लोगों ने तहसीलदार साहब के साथ पास दिया है और FIR भी चंद मिनटों में दर्ज की जाएगी। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ वो अमन सुकून के साथ अपने घर पर तशरीफ ले जाएं। भाई आज 23 अगस्त 2024 शुक्रवार हम सुबह यहाँ पर एक निवेदन देने के लिए आए थे कि हमारे नबी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी बुरी बात कही गई है और जो उनके अदब और उनका मान रखने के बजाय उनका अपमान किया गया है, हम इसका विरोध करने के लिए और यहाँ ये रिक्वेस्ट और निवेदन दाखिल करने के लिए आए हैं कि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और ऐसा काम आइंदा कोई ना करे कि किसी भी धर्म गुरु को, किसी भी धर्म के बड़े को कोई भी आदमी इस तरह बुरा बोलने की हिम्मत ना करे। ऐसा कोई कानून हमारे देश में बनना चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और आज हम सब दुखी हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने भी ऐसा काम किया है कि इतने बड़े नबी और इतने बड़े प्रॉफिट के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल किया है, उनके खिलाफ़ मजबूत और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। या निषेधार्थ मोर्चा वेली नेहरू चौक कोटी वाले कॉर्नर रानी चेन्नम्मा सर्कल नगर पालिका होत तहसीलदार कार्यालयात मोर्चाची सांगता करण्यात आली। यावेळी मोठ्या संख्येने मुस्लिम व बहुजन समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होता।